हेलो फ्रेंड्स, हमारे ईज टीचिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आए हैं जिसको भी प्लेट डालने में दिक्कत आती है, सलवार बनाने में दिक्कत आती है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, ताकि आप अपने लिए बहुत अच्छे से सलवार बना सकें। तो जिसके लिए सलवार की कटिंग हो चुकी है, तो चलिए अब इसकी हम बताते हैं कि कलियाँ और ये पार्ट हमने कैसे कैसे कट किए थे। जिसके लिए हमने अपनी सलवार को यानी कि कट करके और इसकी कलियां सिल ली हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई लगाई है, एक पार्ट और दो कली साइड में। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपको सलवार की कटिंग करना नहीं आता है, तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बहुत सारी सलवारों की सिलाई भी बता रखी है कैसे। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रेट पार्ट होता है और दो कलियाँ होती हैं उनको। हम आपको सिर्फ इसमें प्लेटें किस तरीके से डालते हैं वो चीज़ बताएंगे। तो देखिए, प्लेटें डालने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पीस पकड़िए इस तरीके से, आसन के और कलियों के दोनों पीस पकड़ के, और इनको आपस में मिला लीजिए ऐसे। इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से मिलाना है इनको ऐसे। तो देखिए, ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये वाला पार्ट है जो, यानी कि ये वाला और ये पूरा जितना भी कली का एरिया है जहाँ से हमारी प्लेटें आएंगी। अब देखिए, हम आपको एक चीज बता दें कि जो ये वाला होगा, ये हमारा होगा बैक का आसन, ये वाला, ये हमारा बैक का आसन होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें हमेशा। और वो होगा फ्रंट का आसन। तो जो ये बैक का आसन है, यहाँ से हम लगाएंगे करीबन जो हमारा बिल्कुल जहां तक कोई भी प्लेट नहीं आएगी, ये वो वाला एरिया। आप चाहें तो बैग में दो प्लेटें डाल सकते हो। अब हम यहाँ से लगाएंगे 12 इंच पे निशान, यानी कि 12 इंच पे निशान। अब यहाँ तक हमारी कोई प्लेट नहीं आएगी। अब उसके बाद ये जो अब हमारा कपड़ा है, इसकी हम आपको प्लेटें भरना बताएंगे। तो यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे पहले, इस पीस को पकड़ के दोनों को बराबर यहाँ पे कट लगा लेंगे, ताकि दोनों में हमें पता रहे। और प्लेटें भर के हमारा ये कपड़ा बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा इस तरीके से। दोनों साइड हमने कट दे दिए, ये बैक का हो गया, ठीक है। हमने 12 इंच छोड़ा है ना, ये 12 इंच। अब हम एक पीस हटा देंगे और एक पीस में प्लेट डालेंगे इस तरीके से। खोलेंगे इसको, यहाँ से आसन वाली साइड लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आसन वाली साइड हो गई। अब यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। आप पिन ले लीजिए या फिर कच्चा कर लीजिए। तो मैंने पिन ली है, जिनसे हम इनको अच्छे से सिक्योर करेंगे। अभी देखिए, हम प्लेट को इस तरीके से पकड़ेंगे। हमने जो ये कपड़ा लिया है, ये हमारा करीबन 3 इंच कपड़ा है, और यहाँ से हम 1 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा आसन ज्वाइंट होगा। अभी देखिए, हमने प्लेट को डाला और यहाँ पे पिन लगाई इस तरीके से। फिर से देखिए, आप ऐसे ही कपड़ा उठाएंगे इतना ही, और इसको भी हम इसी के साथ अटैच करेंगे ऐसे। इसका जो प्लेट का मुंह है, ये आधा इंच दिखना चाहिए बस। फिर से हम ऐसे ही पकड़ेंगे तो कंटिन्यू आपको ऐसे ही करते हुए चलना है। अगर आप इस तरीके से प्लेट डाल के सलवार बनाएंगी, तो आपकी जो सलवार है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको खोल लें अच्छे से कपड़े को। अब आपको जितना भी आपकी प्लेटें जितने कपड़े में भी आती हैं, उतने में डाल दीजिए। बैक के लिए हमने बिल्कुल अलग निकाल दिया है कपड़ा। अब उसी तरीके से फिर हमें इसकी डालनी होगी, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आप पटियाला सलवार बनाएंगी, तो आप कितने भी कम ज्यादा कपड़े से बना सकते हैं। ये देखिए, उस निशान का आप ध्यान रखें जो हमने लगाया है बैक के लिए
और प्लेट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कोई भी प्लेट कम या ज्यादा ना हो आपकी। ये देखिए ये आ गया हमारा वो वाला निशान जो हमने अभी आपके सामने 12 इंच पे लगाया था। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरीके से, तो देखिए ये हो गई हमारी प्लेट और ये हो गया हमारा बैग का आसन। अब जैसे हमने इधर ये प्लेट डालनी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको ये हमारी प्लेट इक्वल दिख रही होंगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके ऐसे डालेंगी तो आपकी सलवार, सच हम बता रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं इस चीज़ की, आपकी सलवार एकदम परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको कहीं भी कोई डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए हम दूसरे पार्ट में प्लेट डालेंगे, उसके लिए अब बैक का हमारा निशान लगा हुआ है, सिर्फ प्लेटें डालनी है उसमें। तो देखिए उल्टे सीधे का, पहले तो उल्टा सीधा कपड़ा देखिए कि कहीं से भी हमारा कपड़ा उल्टा या सीधा ना हो। अब हम अपना पार्ट लेंगे ये वाला, ठीक है। अभी देखिए हमने इधर की साइड छोड़ा था 1 इंच कपड़ा, अब हमें इधर की साइड भी 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है जो कि हमारा आसन में दबेगा। ये इतना कपड़ा हमारा आसन में दब जाएगा इसलिए हम छोड़ रहे हैं ये। अब हम इसमें भी प्लेट, जैसे देखिए हमने इन प्लेटों का मुंह अपने सामने यानी कि आगे की साइड किया है। अब जो ये प्लेट है इनका मुंह मुझे इसके सामने करना है, इनका मुंह मुझे आमने सामने करना है। तो देखिए हम यहाँ से उठाएंगे प्लेट को और इस 1 इंच के निशान से मिलाएंगे ऐसे। अगर आपको कली पार्ट जोड़ने आते हैं तो आप भी ये सलवार अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर से उठाएंगे इसी के साथ एडजस्ट करेंगे ऐसे, फिर से उठाएंगे कपड़ा इसी के साथ सेट करेंगे इसको भी। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि प्लेटों का मुंह आमने सामने होना चाहिए, किसी का भी मुंह इधर उधर को ना हो, क्योंकि अगर जो हमारा सलवार का लुक आता है वो इसी वजह से आता है कि हमारी प्लेटों का मुंह आमने सामने होता है। तो चलिए इनको हम इसी साइड को डाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो मैंने इनका लुक है वो किस तरीके से बिठा दिया है। अब हम आपको एक बार नाप के बता देते हैं कि हमारी ये प्लेटें बराबर हैं कि नहीं है। तो देखिए इसको इससे ऐसे मिलाएंगे और प्लेटो वाला एरिया नापेंगे, तो देखिए ये हमारा आ रहा है टोटल 10.5 इंच पे, यहाँ तक हमारी प्लेट है यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरी साइड से नापते हैं, तो देखिए यहाँ से नापेंगे तो देखिए यहाँ से भी हमारा 10.5 इंच पे ही आ रहा है। ये देखिए आपके सामने नाप रहे हैं हम बिल्कुल, तो इस तरीके से। और ये हमारा जो 12 इंच कपड़ा बैक में छूटा था उधर की साइड, वो बैक का है ध्यान रखें, ये दूसरा है। तो यानी कि ये आसन हो गया। अब इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे और बेल्ट को अब इसी तरीके से हमें बनाना होगा, पहले हम इन पे सिलाई लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस साइड से भी और इस साइड से भी दोनों प्लेटों वाली साइड सिल ली है। अब हम इनका ऐसे सीधी साइड से सीधी साइड मिला के, जो हमने 1 इंच कपड़ा ये छोड़ा था फ्रंट आसन की साइड, इसको हम यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई लगा के सिल देंगे। अभी देख सकते हैं आप मैंने फ्रंट आसन को सिल लिया है। अब इस तरीके से हमारा ये आसन हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें अपनी बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। बेल्ट को हमने इसी के बराबर कटिंग किया है। देखिए फ्रेंड्स बेल्ट को भी हमने इतना ही तैयार कर लिया है, जहाँ पे ज्वाइंट आया था वहाँ पे ज्वाइंट लगा के, जितनी भी हमारी इसकी लंबाई है बेल्ट से लेके उसकी कली की चौड़ाई की, जहाँ तक प्लेट डाली है वहाँ तक हम इसको इसके साथ इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और सीधी सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए मैंने इसको बेल्ट के साथ अटैच कर दिया है, आप देख सकती हैं इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट आसन हो गया, ये हमारा हो गया बैक आसन। अब इसका हम आसन एक साइड से भी ज्वाइंट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। ये हमारी डोरी डालने वाली जगह है, जहाँ से डोरी या इलास्टिक डाल सकते हैं। और ये हो गई हमारी दूसरी साइड की प्लेटें, आप देख सकती हैं इनका मुंह आमने सामने है। अब हमें बस इसमें मोहरी बनानी है।
अभी देखिए फ्रेंड्स, सलवार बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकती हैं पूरा लुक। अब एक बार इसका बैक दिखाई देती हूँ कि ये इस तरीके से प्लेट डालने से बैक में किस तरीके का लुक आता है। ये देखिए, आपको ये छोटी छोटी प्लेटें दिख रही होंगी। ये बैक में जब हम इसे पहनते हैं तो हमारी ये इस तरीके से प्लेटें आती हैं, यानी कि ये प्लेटों का रुख यहाँ आगे, और ये बहुत अच्छी पहनने में लगती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये सलवार की प्लेट डालने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।